अब हम लोग यहाँ पर इसका तीसरा प्रकार जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है पहले हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास में जो दो पद हैं, दो पदों में जो है एक पद जो होगा वो क्या होगा विशेषण और दूसरा पद क्या होगा विशेष्य। ठीक है, तो इस प्रकार का जो समास होगा उसे हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। या फिर यहाँ पर जो है एक तो हम बात करते हैं उपमान और उपमेय, दो शब्दों का और प्रयोग किया हुआ है उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर जो है इन दोनों पदों में जो है उपमान और उपमेय का भी संबंध होता है। तो ऐसा समास जिसमें एक पद क्या हो विशेषण और दूसरा पद क्या हो विशेष्य, या फिर उपमान और उपमेय का संबंध हो, इस प्रकार के समास को हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इसमें जो पूर्व पद है, पूर्व पद जो है वो क्या होगा आपका विशेषण होगा। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होगा उपमान होगा। और दूसरा जो पद होगा जिसे हम बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद क्या होगा आपका यहां पर विशेष्य होगा। ठीक है, अगला जो पद होगा वो क्या होगा विशेष्य होगा और उसे हम यहां पर क्या बोलेंगे उपमेय। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर उपमान है और ये क्या है आपका उपमेय। तो हम किसकी उपमा किससे देंगे, हम विशेष्य की यहां पर विशेषता बताएंगे पूर्व पद के माध्यम से। यहां पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं वो आप देखिए। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं समस्त पद, मैं यहां पर लिख रहा हूं समस्त पद। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा आपकी बुक में लिखा हुआ है महात्मा, पहला जो पद है वो है महात्मा। ठीक है, अगला जो है नीलांबर, नीलांबर और कुछ नए शब्द देखिए, वैसे ही और शब्द हम यहां पर लिख सकते हैं पीतांबर, क्या लिख सकते हैं पीतांबर। और देखिए परमेश्वर, परमेश्वर नील गाय, नील गाय प्रिय सखा, प्रिय सखा वैसे ही अगर आप देखेंगे तो और कुछ नए शब्द अगर हम देखें यहां पर एक और काफी अच्छा शब्द है इसमें लिखा हुआ है घनश्याम, ये भी लिख लीजिए घनश्याम। ये सारे के सारे यहां पर क्या है, ये सारे के सारे यहां पर क्या है समस्त पद है। अब हम इन पदों के माध्यम से यहां पर क्या बनाएंगे सामासिक पद बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहां पर जो सबसे पहला जो हमने समस्त पद लिखा है वो क्या है आपका महात्मा। तो महात्मा जो है शब्द का अगर हम यहां पर सामासिक पद अगर लिखें, समास विग्रह कर सामासिक पद अगर हम लिखें, सामासिक पद क्या होता है कि यहां पर जो दो पद है इन दोनों पदों को अलग करने की या फिर पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे समास विग्रह। और समास विग्रह करने के पश्चात जो बनने वाला जो यहां पर पद होगा उस पद को हम क्या कहेंगे सामासिक पद। देखिए हमने यहां पर जो पहला पद जो लिखा हुआ है वो क्या है महात्मा। तो महात्मा का हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि महान है जो आत्मा, क्या लिखेंगे महान है जो आत्मा। तो यहां पर आत्मा जो है वो क्या है विशेष्य है और आत्मा की विशेषता हमने किससे बताई है कि महान से बताई है कि आत्मा क्या है महान है। ठीक है, अगला देखिए यहां पर नीलांबर, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। उसी प्रकार देखें यहां पर पीतांबर, पीतांबर का हम क्या लिखेंगे पीत है जो अंबर या फिर पीला है जो अंबर।
ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहां देखेंगे तो परमेश्वर, परमेश्वर का हम यहां पर क्या ले सकते हैं, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। परमेश्वर मतलब हमने यहां पर ईश्वर की जो विशेषता जो बताई है वो किससे बताई है, परम से बताई है। परम मतलब वो महान है, उनके समान कोई नहीं है, ठीक है। अगला हम यहां पर देखें नील गाय, ये गाय तो है पर वो कैसी है, नीली है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, नील है जो गाय, नील है जो गाय, तो क्या बन गया यहां पर, नील गाय। वैसे ही मैंने यहां पर लिखा प्रिय सखा, इसको यह मैं लिख देता हूं सही से, प्रिय सखा क्या बनेगा इसका, प्रिय है जो सखा, क्या बनेगा, प्रिय है जो सखा, ठीक है, ये बन गया। और सबसे लास्ट वाला देखिए यहां पर घनश्याम, घनश्याम का यहां पर क्या बनेगा, घन के समान श्याम, क्या बनेगा, घन के समान श्याम, मतलब श्याम की हमने जो है यहां पर विशेषता किससे बताई है, घन से। घन का यहां पर मतलब क्या होता है, बादल, मतलब घन जो है वो किसके समान है, बादल के समान है, सांवला है, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहां पर समस्त पदों से क्या बना सकते हैं, सामासिक पद बना सकते हैं, और सामासिक पदों से हम क्या बना सकते हैं, समस्त पद बना सकते हैं। तो अगर आपके सामने अगर कोई सामासिक पद अगर दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं कि ये किस प्रकार का समास है, कर्मधारय समास, ठीक है। या फिर अगर आपको दे दे समस्त पद और आपसे बोले कि इन समस्त पदों को समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको इसी प्रकार से इनका क्या करना है, समास विग्रह करना है और इसका सही से आपको इसका नाम लिखना है। इसको नोट करिए। चलिए अगला देखिए, अगला जो समास है यहां पर वो क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होगा, द्विगु समास में जो पहला पद जो होगा, द्विगु समास में जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक, क्या होगा, संख्यावाचक क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण, ठीक है। और जो दूसरा जो पद होगा वो क्या होगा, इसमें प्रधान होगा। तो उत्तर पद क्या होगा, इसमें प्रधान होगा। जैसे अगर मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिखना चाहूं, मैं कुछ समस्त पद यहां पर लिख रहा हूं, बहुत सरल यहां पर है ये, और इसका हम यहां पर क्या लिखेंगे, सामासिक पद। देखिए मैंने यहां पर लिखा नवग्रह, क्या लिखा, नवग्रह। तो नवग्रह का सामासिक पद यहां पर क्या बनेगा, नौ ग्रहों का समूह, क्या लिखा मैंने यहां पर इसको, नौ ग्रहों का समूह। वैसे ही मैंने यहां पर लिखा चौराहा, चौराहा का यहां पर क्या बनेगा, चार राहों का समूह, क्या लिखेंगे हम इसको, चार राहों का समूह क्या होगा, चौराहा। वैसे ही मैंने यहां पर लिखा त्रिभुवन, क्या लिखा, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन का क्या बनेगा, तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो और क्या लिख सकते हैं, मैंने पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी का हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पांच वटों का समूह, क्या लिख सकते हैं, पांच वटों का समूह, उसे हम क्या कहेंगे, पंचवटी, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी ऐसे शब्द हैं, जैसे मैंने कहा दो पहर, दो पहर का क्या बनेगा, दो पहर का समूह, मतलब पहर, पहर क्या है, ये भी यहां पर एक पद है, ठीक है। तो पहर क्या है, दूसरा पद है, और दो क्या है यहां पर, संख्यावाचक पूर्व पद है, ठीक है। इस प्रकार से हम उसका क्या कर सकते हैं, सामासिक पद बना सकते हैं समास विग्रह करने के पश्चात, ठीक है। तो ये अच्छे से आप नोट करिए। चलिए
अगला जो समास हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास जो है ये भी बहुत ही सरल प्रकार का समास है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे जो है दो क्या है, द है, और दो क्या है, व है। ठीक है, मतलब इस समास को हम कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि दोनों जो द है वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, इस प्रकार के समास को हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान। ठीक है, तो इस प्रकार के समास को हम यहां पर क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। इसके कुछ उदाहरण में लिख रहा हूं वो आप देखिए। यहां पर जैसे मैं कुछ समस्त पद लिख रहा हूं, उनका हमें समास विग्रह करके क्या लिखना है, सामासिक पद लिखना है, सामासिक पद। ठीक है, मैंने यहां पर सबसे पहला जो है समस्त पद में लिख रहा हूं माता पिता, माता पिता। ठीक है, वैसे ही भाई बहन। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और बेटा बेटी। वैसे ही दिन रात। ठीक है, धरती आसमान, धरती आसमान, गंगा यमुना। ठीक है, और देखिए कुछ नए नए एग्जांपल हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे लेन देन, क्या लिखा मैंने यहां पर, लेन देन। ठीक है, वैसे ही और भी बहुत सारे जो है एग्जांपल यहां पर है, जैसे चूहा बिल्ली। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल नहीं पूछते हमारे एग्जाम में। पाप पुण्य, और देखिए आप पाप पुण्य। ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर क्या है, समस्त पद है। इन समस्त पदों को अगर आप देखेंगे तो इन पदों में यहां पर जो है आपके दो पद हैं, पहला यहां पर पूर्व पद है और दूसरा यहां पर क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, तो दोनों पद है, दोनों ही पद यहां पर क्या है, प्रधान है। दोनों ही पदों का अपना अपना क्या है, महत्व है। दोनों पद यहां पर क्या हो सकते हैं, एक समान तो है पर हो सकते हैं दोनों पद एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें माता का उल्टा क्या होगा, पिता, भाई का उल्टा क्या होगा, बहन, बेटा का उल्टा क्या होगा, बेटी, दिन का उल्टा क्या होगा, रात, धरती का उल्टा क्या होगा, आसमान। ठीक है, वैसे ही हम बात करें पाप का उल्टा क्या होगा, पुण्य। जैसे बहुत सारे विपरीत भी यहां पर शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं सामासिक पद की। तो सामासिक पद कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए आप। सबसे पहला जो है, इन शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे, इन शब्दों के बीच में आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, एक चिन्ह दिखाई देगा। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। और यहां पर जब भी हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने के पश्चात हम हमेशा क्या जोड़ेंगे, या तो हम जोड़ेंगे यहां पर और, या फिर तथा, या फिर या। इस प्रकार के हम लोग यहां पर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है माता पिता। तो माता पिता को अगर हमें समास विग्रह करना है तो हम यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, माता और पिता। क्या लिखा मैंने यहां पर, माता और पिता। वैसे ही आप देखिए भाई बहन, तो क्या लिख सकते हैं इसको, भाई और बहन। ठीक है, अगला देखिए बेटा बेटी, तो क्या बनेगा ये आपका, बेटा और बेटी। वैसे ही आप देखिए दिन रात, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिन या रात। क्या लिख सकते हैं इसको, दिन या रात भी लिख सकते हैं, और दिन और रात हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिन या रात, ऐसा भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं।
आप दिन और रात लिखें, वो भी आपका सही है। धरती आसमान, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, धरती और आसमान। वैसे ही देखिए आप गंगा यमुना, तो क्या लिखेंगे हम इसको, गंगा और यमुना। वैसे ही देखिए आप अगला जो यहां पर समस्त पद है, लेन देन, ठीक है, तो लेन तथा देन या लेन और देन, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य को हम यहां पर क्या लिखेंगे, पाप और पुण्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर द्वंद्व समास में जो समस्त पद है उसका विग्रह करके हम इसका क्या कर सकते हैं, सामासिक शब्द बना सकते हैं। देखिए आप नोट करिए, चलिए अगला प्रकार हम लोग यहां पर देख रहे हैं बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास हम लोग पढ़ेंगे। बहुव्रीही समास क्या होता है, ठीक है, बहुव्रीही समास क्या होगा कि ऐसा समास जिसमें न प्रथम पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इस प्रकार के समास को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास। तो यहां पर जो है दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान नहीं होंगे। मतलब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों पद में कौन कौन से आ गए आपके, एक तो पूर्व पद और एक कौन सा आ गया उत्तर पद। ये दोनों पद जो हैं, ये दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, ये दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। तो कौन होगा, कोई तीसरा ही कोई पद है जो यहां पर प्रधान होगा, ठीक है, कोई तीसरा ही पद क्या होगा, प्रधान होगा। इस प्रकार के समास को हम यहां पर क्या कहेंगे, बहुव्रीही समास। देखिए इसके कुछ उदाहरण मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा समस्त पद, क्या लिखूंगा मैं, समस्त पद, और इन समस्त पद के हम यहां पर क्या बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे। चलिए जैसे मैंने यहां पर लिखा चक्र है पानी, चक्र पानी, क्या लिखा मैंने, चक्र पानी। वैसे ही मैं यहां पर लिख रहा हूं और कुछ नए नए शब्द हम लोग यहां पर देखते हैं। आपकी बुक में एक और लिखा हुआ है तपोधन, ये भी लिख रहा है तपोधन, ठीक है। और देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं पीताम्बर, ठीक है, वैसे ही वीणा पानी, वीणा पानी, ठीक है। और देखिए और है नेक नाम, क्या लिखा मैंने, एक और लिखा नेक नाम, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा निर्धन, निर्धन को भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। और देखिए महादेव को भी हम लिख सकते हैं, महादेव, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कुछ समस्त पद मैंने यहां पर लिखे हैं। इन समस्त पद के हम यहां पर क्या लिखेंगे, सामासिक शब्द जो है लिखने वाले हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इनमें जो है यहां पर दो पद है, ठीक है, पहला है चक्र, दूसरा है पानी। इन दोनों पदों को अगर आप देखेंगे तो इस शब्द को बोलने के बाद, इस पद को बोलने के बाद आपको जो है तीसरे पद की जो है अनुभूति होती है। जैसे चक्र पानी, पानी का मतलब क्या है यहाँ पर, जिसने धारण किया है। चक्र किसने धारण किया, किसने धारण किया है, भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसका अगर समास विग्रह करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चक्र है हाथ में जिसके, क्या लिखेंगे हम इसका, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में चक्र है, भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या है, तपोधन, तपोधन का हम यहां पर क्या बना सकते हैं,
तपोधन, जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें एक किस बात का आभास होता है, किसी तपस्वी का हमें यहाँ पर क्या होता है, आभास होता है। इसका अगर हम यहाँ पे समास विग्रह करें तो क्या बनेगा, तपोधन का यहाँ पर बनेगा तप ही है धन जिसका, क्या लिखेंगे हम इसका, तप ही है धन जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं, तपस्वी। क्या बोलते हैं, तपस्वी। अब देखिए पीताम्बर, पीताम्बर भी हम किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीताम्बर, पीत मतलब पीला, पीत का यहां पर अर्थ क्या है, पीला, ठीक है। तो यहां पर हम इसका क्या लिख सकते हैं कि पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने, क्या लिख सकते हैं हम इसको, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने, और वो कौन है, वो भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वैसे ही देखिए यहां पर वीणा पाणी, पाणी का मतलब धारण करना, और वीणा यहां पर हम बोलते हैं वीणा पाणी, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि वीणा है हाथ में जिसके, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर कि वीणा, वीणा है हाथ में जिसके, और वो कौन है, माँ सरस्वती, क्या है, माँ सरस्वती। अब देखिए अगला मैंने यहां पर जो शब्द लिखा है वो है आपका नेक नाम, क्या है यहां पर अगला जो शब्द है वो क्या है, नेक नाम। इसका यहां पर अगर हम देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक नाम, नेक नाम मतलब हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वो छोड़िए, नेक नाम को हम अगर चाहें तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, नेक है जिसका नाम, क्या बोलेंगे हम, नेक है जिसका नाम, ठीक है। और उसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, एक तरह का संबंध हम जो है बताने की कोशिश करते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे निर्धन, निर्धन का हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, निर्धन, निर्धन का हम चाहे तो यहां पर लिखेंगे निर्गत है धन जिससे, क्या लिखेंगे हम, निर्गत है धन जिससे, और उसे हम क्या बोलते हैं, निर्धन, गरीब। वैसे ही अगर हम बात करें महादेव, महादेव का जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है अप बनाना है, ठीक है, महान है जो देव। चलिए ये भी आप यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे हम, महान महान है देवों में जो, और वो कौन है, भगवान शिव। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्या है आपके बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है, ये आपके समस्त पद है और ये क्या है, सामासिक पद है, इसको नोट करिए आप। हाँ तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो है समास के जो है छह प्रकार को हमने समझा है। अब हम लोग यहाँ पर आपका जो आखिरी टॉपिक है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, और वो है आपका संधि और समास में अंतर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है एक तरफ लिख रहा हूँ संधि और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ समास, ठीक है। संधि और समास में हमें यहाँ पर जो है अंतर स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जो है दो नंबर में पूछा जाता है। संधि का यहाँ पर सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट की बात करूं, अगर मैं संधि के अगर अर्थ की बात करूं तो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना या फिर मेल, ठीक है। वैसे ही अगर मैं समास के अर्थ की अगर बात करूं तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना, क्या होता है, संक्षिप्त करना, क्या होगा, संक्षिप्त करना, ठीक है। चलिए लॉस ऑफ फिगर और वेरिएबल,
संक्षिप्त करने की रचना। वैसे ही अगर हम बात करें तो संधि जो होती है वो किसके बीच होती है, वर्णों के बीच होती है। किसके बीच होती है, वर्णों के बीच होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम समास की बात करें तो समास जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि यहाँ पर जो संधि में दो वर्णों को जो अलग करने की जो प्रक्रिया है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया, वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया, उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। क्या कहेंगे, संधि विच्छेद, ठीक है। और वैसे ही अगर हम समास में बात करें तो समास में जो दो शब्दों को अलग करने की जो यहां पर जो प्रक्रिया होगी उसे हम यहां पर क्या कहेंगे, समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो संधि के अंदर जो है हम कुछ विभक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, तो आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि समास में हम कुछ विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। और वैसे अगर आप यहां पर लिखना चाहें संधि में, तो यहां हम विभक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां पर हम विभक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और उदाहरण यहां पर जो है, आप चाहें तो इनके एक एक जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर जो है एक उदाहरण दिया पीताम्बर, इसी मैंने यहां पर लिखा पीताम्बर, ठीक है। तो पीताम्बर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पीत प्लस अंबर। क्या बना, पीत प्लस अंबर। और यहां समास में अगर आप उदाहरण देंगे तो समास में हमने इसी उदाहरण को दिया पीताम्बर। पीताम्बर क्या है, आपका समस्त पद है। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा कि पीला है अंबर जैसा। क्या लिखेंगे आप, पीला है अंबर जिसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संधि और समास को यहां पर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जो है यहां पर दो नंबर में पूछते हैं, तो आप कोई भी जो है दो पॉइंट आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी दो या तीन पॉइंट आप जो है लिखिएगा। तो इस तरीके से जो है समास जो है आपका हिंदी व्याकरण का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।